कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान किया। प्रदेश में अब एक बेटी के पैदा होने पर 2 लाख और दूसरी बेटी होने पर सरकार 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने कल शिमला में स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए ये बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और इस एक्ट को प्रभावी तरीके से लागू करने पर मंथन किया जाएगा। हिमाचल ने बहुत अच्छी इसमें तरक्की की है और कन्या भ्रूण हत्या के मामले में 2014 में जो स्थिति थी उसमें उभर कर हम बहुत अच्छी स्थिति में आए हैं। हमारे 1000 के पीछे 950 गर्ल्स का रेशियो है और देश में हम तीसरे स्थान पर है। इसलिए ये कार्यशाला जो जिसका 2 दिन तक आयोजन किया जाएगा कि परिवार में सिर्फ एक बेटी पैदा होती है उसमें पहले इंसेंटिव 35,000 पे था। हमने कहा कि अगर एक बेटी पैदा होती है तो उसको 2 लाख रुपया मिलेगा और दूसरी बेटी जब पैदा होती है तो उनके परिवार को 1 लाख रुपया मिलेगा। 2 बेटियों पर 1 लाख, 1 बेटी पर 2 लाख रुपया मिलेगा जिसकी सिर्फ सिंगल बेटी होगी। तो मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि जो और भी कुछ जगह कहीं, वैसे हिमाचल प्रदेश में बहुत कम है, पर कुछ जगह अगर ये होगा तो इंसेंटिव के तौर पर आज के बाद जब नोटिफिकेशन होगी उसके बाद कोई भी बेटी पैदा होगी और एक ही बेटी होगी वो दो पिछले लोगों के लिए नहीं अगले लोगों के लिए, उनको 2 लाख रुपए की इंसेंटिव दे रहे हैं।